यहाँ पे काफी विशाल का है हनुमान जी की मूर्ति, काफी खतरनाक अच्छी लग रही है। यहाँ पे अपनी फटफटिया सकीला बेगम आपकी जानी पहचानी जनपद सदस्य पद की महिला प्रत्याशी सकीला बेगम बंद करे। हाँ चलता था मन लग गए। ओहो सदाई जहाँ पे हमारी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो गई है। फटफटिया है हर बंद हो लाई भाई खराब हो रहा है। यहाँ पे आप रख लीजिए बस मोबाइल सपोर्ट पकड़ लीजिए पर चले उड़ जाए। तो गाइस कुछ इस तरह का ऑफ रोड गाड़ी आपको फिर दिखाएंगे थोड़ा कौन सी गाड़ी है कितने साल की पुरानी गाड़ी है और थोड़ा राइड इसको करेंगे। यहाँ पे काफ़ी पहाड़ इसको बोलते हैं गांव में कुछ आप भी बोलिए थोड़ा। चलो हाँ इधर ही से तो यहाँ पे गाइस वाटर तो गाइस यहाँ पे फोन गिर चुका है फोन गिरेगा तो पिलाई खासा होगी आपकी। ये हर बंद हो गई उधर हो आप बोली। ये हमारे पास आज बाइक जिसको राइड कर रहे हैं ये कावासाकी बजाज S45 इसका सब नाम ओम मिट चुका है नामो निशान इस गाड़ी का फिर भी ये देखिए चल रही है। इसमें टंकी पे हम पन्नी लगा के चढ़ रहे हैं इसका मीट ये सब गायब हो चुका है चाबी नहीं है इसका लाइट वाइट देख लीजिए आप गाइस। ये है 45S 4S चैम्पियन इस बाइक का नाम है गाइस काफ़ी ख़तरनाक बाइक है ये। और ये देखिए यहाँ पे सुपीरियर रेसिंग टेक्नोलॉजी यानी अभी मैं भगाया तो बहुत ख़तरनाक जैसे RX 200 तो नहीं वो आर क्या बोलो RX 100 तो नहीं चला लेकिन ये भी काफ़ी ख़तरनाक बाइक है एक प्रकार से अपने जमाने की। ये 25-30 साल पुरानी बाइक है इसको हमने राइड किया है गाइस अभी तक में मीटर भी बंद हो चुका है शायद 8-9 नवाजो में है 1 लाख तो चल चुकी है इससे ऊपर। ये पीछे का कुछ ऐसा चलते हैं थोड़ा इसको और चलाएंगे इस पर राइड करेंगे गाइस। यहाँ पे एक तो वहाँ भाई है उसके साथ आए यहाँ पे थोड़ा मंदिर है एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए गाइस वाटर क्रॉसिंग और यहाँ पे ट्रैक्टर की जुताई चल रही है जेसीबी की खुदाई कहाँ है भाई इधर ये हमारा भाई ये अज ओ माय गॉड ये देखिए ये जेसीबी नाम लिए जेसीबी खुदाई भी चल रही वाह चलिए ठीक है काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं गाइस थोड़ा स्विमिंग पूल आपको दिखाते हैं अपने गांव का। तो गाइस जैसा कि मेरी हाइट 6 फाइट है ये काफ़ी हल्की बाइक तो नहीं है अब इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। इस बाइक में भी ये देखिए इंजन किल स्विच आता है ये देखिए गाइस ये स्टार्ट में स्टार्ट हो गई है ये गाइस। चलो बैठ 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 और रास्ता तुम भी बताना ठीक है ना। ये हो स्टैंड लगा है शायद इस कारण से इसमें काफ़ी सेंसर हैं गाइस इसको ज़्यादा थोड़ा एक्सीलेटर देना पड़ता है जा रहे हैं। ये इसमें गाइस एक और वो है कि इसमें बजाज की बाइक है तो पूरे गियर से आगे लगते 4 गियर लगते हैं बताओ कहाँ चलना है। तकनीकी प्रॉब्लम और 25-30 साल की बाइक हो गई इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हम काफ़ी ऑफ रोड यहाँ पे पतली सी मेड़ है
यहाँ से कोई बाइक नहीं निकल सकती, यहाँ पे ये बाइक निकलेगी और हम निकालेंगे गाइस। यहाँ पे आम पेड़ खेत, पानी तो नहीं आ रहा ला, बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया फिर भी पानी नहीं है। सोचा था पानी आएगा तो उसको, ये गाड़ी बंद हो रही है गाइस, होने वाली है बंद होने वाली है। तेल बताया ना मैं था आपको, यहाँ पे ऐसा ऑफ रोड, वाह हर 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 हर, इधर चल रहा है इधर, ओ माय गॉड ये कितनी खतरनाक रास्ता है, इसमें लगता है एक नंबर लगाना पड़ेगा गाइस, डर लगता है लगाने। यहाँ पे काफी खतरनाक मेड़ का रास्ता, अगर लेफ्ट और राइट गए तो सीधे नीचे उतर जाएंगे खेत में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखेगी, हमारे गांव में किसी ने बनवाया था। यहाँ पे गाइस हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी आते हुए अपने ये देवरा खट करी। ये रास्ता कहाँ से है वो, गाड़ी खड़ी, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर, बाइक और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर काफ़ी बड़ा है अपने गांव में, ये देखिए इतना अच्छा मंदिर। सो गाइस अब चलते हैं झिन्ना पे, पहले हम छोटे हुए करते थे तो यहाँ पे नहाया करते थे, ये देखिए यहाँ पे पानी एक भी नहीं है, ये नाला टाइप का आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब 10-15-20 साल पहले की बात है जब यहाँ पे कोई यानी बोर और नहीं होता था तो यहीं पे सब नहाने आते थे। काफ़ी जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगल बगल से निकल सकते हैं पूल। ओहो यहाँ पे भी पानी नहीं निकल रहा है, ये कुछ इस तरह का गाइस स्विमिंग पूल है, काफ़ी गहरा है। यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं दी गई है कि चढ़ने को, पहले हम लोग यहाँ पे टायर लगा के चढ़ा करते थे, थक गए गाइस काफ़ी गर्मी। यहाँ पे पूरे चारों ओर खेत ही खेत, यहाँ पे फिर से हनुमान जी का मंदिर, एक और इसको बौली कहते हैं अपने गांव में। इतना कम पानी है इसमें तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो इसमें इसका पानी रुक जाएगा, लेकिन जब पहले आते थे तो इसको बताते तो बहुत गहरे है ना, इसको तो मैं 1 मिनट में पार कर लूँ, ये देखिए मेरे एक हाथ के बराबर है। तो यही है गाइस यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल बड़ा वाला, यहाँ पे 3 कुल स्विमिंग पूल्स हैं गाइस टोटल, यहाँ पे मेन वायर जा रही है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं घर की ओर, फिर से आपको दिखा देते हैं, काफ़ी बड़ा है यार, वो पानी जब भरा रहता तब ज़्यादा गहरा लगता है, लेकिन अभी देखिए काफ़ी खाली लग रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पे नहाने के पैसा नहीं लगता। हाँ खास ये बहुत स्यावास, आपको एक टॉफी इनाम, इतना अच्छा पूल, बीच बीच में आप ऐसा सजेशन दिया करिए, ये ऐसा स्विमिंग पूल है जैसा रीवा में जाएंगे तो गाइस इसी स्विमिंग पूल में, ये तो एकदम नेचुरल देसी स्विमिंग पूल है, इसमें अपने से पानी आता है, क्यों सही बोला ना ब्रो। यहाँ पे कुछ ऐसा ही मैं एक बार रियलाइज किया था, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है भाई काहे, अभी वो गर्मी का मौसम है ना तो। अच्छा गर्मी में कम, यहाँ पे गाइस पगड़ी पड़ी है, चल गए अब वहाँ मंजिल की ओर, अपनी फटफटिया खड़ी है, ये कम से कम 35-40 साल की हो चुकी है अभी, इसको हमारे बब्बा जी जब स्टार्ट नहीं होती थी तो इसको कैसा करते थे आप बताइए गांव वाले, ये हमारा छोटा भाई चाचा का लड़का है तो आप तो रियलाइज किए होंगे, बताइए थोड़ा, इसको पटक देते थे ले जाके। यहाँ पे काफ़ी विशाल का है हनुमान जी की मूर्ति, काफ़ी ख़तरनाक अच्छी लग रही है, यहाँ पे अपनी फटफटिया। लाला होएगा तो गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे जय बजरंग बली, आज वेडनेसडे है क्या, बुधवार है, चलो हो गया आज, चलिए ठीक है गाइस, अच्छा लगा हो ब्लॉग तो देखिए गांव पे अपने इतनी अच्छी है ये मूर्ति। कुछ इस तरह की गाड़ी की अपनी हालत देख लीजिए,